जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास इनिशियल ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है। अब इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और ये किसी स्टैंडर्ड आपके इंटीग्रल से मैच कर जाता है। क्या करेंगे हम लोग, पहले इस चीज़ को एग्जैक्ट मैच कराने के लिए यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूशन रख दे। तो टू माइनस एक्स को हम क्या लेट कर लें, कुछ टी लेट कर लें, लेट। अब क्या हो जाएगा, टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस वन आएगा, डी एक्स इक्वल टू टी का वन आएगा और डी टी लिखेंगे। तो हमारे पास तो सिर्फ डी एक्स है इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, माइनस डी टी, इस माइनस को हम इधर ले आएंगे। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो टी के फॉर्म में आ जाएगा, या वेरिएबल हमारे डमी वेरिएबल टी के फॉर्म में ट्रांसलेट हो चुका होगा। और इसे क्या लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे माइनस डी टी हो जाएगा। इस माइनस को हम बाहर कर लेंगे माइनस वन के फॉर्म में, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मैच कर गया, जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन, और प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट आपका आता है सी। लेकिन टी तो हमारा डमी वेरिएबल था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो टी की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू हमारी कितनी थी, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, मॉड क्लोज हो गया प्लस सी। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करके लिखी जा सकती है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। तो हम खोल के लिख दे रहे हैं इसको, इट बिकम ए स्क्वायर मतलब फोर प्लस बी स्क्वायर मतलब आपका एक्स स्क्वायर और माइनस टू ए बी मतलब माइनस फोर एक्स हो गया। लेकिन वन और ये फोर लाइट टर्म है, ये ऐड हो जाएंगे, तो इनको क्या लिख सकते हैं, प्लस फाइव लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, दैट बिकम फाइव, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, अगर ये जो माइनस है ये इसके ऊपर आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, है ना, और ये माइनस वन क्या करेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देगा, तो इसको वन अपॉन लिखा जा सकता है। तो दैट कुड बी रिटन एज ए, आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज वन अपॉन, ठीक है, और ये पूरा मॉड में रहेगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन मॉड ऑफ वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, दैट इज योर फाइनल आंसर।